Hello everyone, welcome back to our YouTube channel once again. My name is Nazneen Sheikh and as we have promised कि हम poetry section शुरू कर देंगे. आपकी demand पर हमने poetry section शुरू कर दिया है. 2.1 हमने complete कर दिया है, song of open road. 2.2 हमने complete कर दिया है, Indian weavers. अब तो हमने poem तो complete कर दिया है, लेकिन कुछ बचा है ना, कुछ बाकी है ना, तो वो क्या चीज़ है जो बाकी है? हमारी आइस ब्रेकर्स और हमारा brainstorming session. तो जब हमने पोयम कंप्लीट कर दिया तो हमको ये भी कंप्लीट करना है. तो उसी लिए जैसे हम हमेशा से कहते हैं, जिन बच्चों को सिर्फ पोयम देखना है, पोयम का मीनिंग समझना है, उसके लिए एक अलग से लेक्चर सिर्फ पोयम के एक्सप्लेनेशन पर होता है. और जिन बच्चों को समझना है सिर्फ आइस ब्रेकर्स और ब्रेन स्टॉर्मिंग के आंसर्स और क्वेश्चन को समझना है, उनके लिए स्पेसिफिकली हमने क्या किया है, इस सेशन को रखा है. तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का आइस ब्रेकर्स. जैसे हमने पढ़ा ना सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, तो किस बारे में बात थी? लाइफ की जर्नी के बारे में बात थी वो सारी, राइट? चलो आइस ब्रेकर्स से शुरू कर देते हैं हम. चूज द मोड ऑफ ट्रैवल दैट यू वुड लाइक द मोस्ट फॉर अ जर्नी. अगर किसी जर्नी के लिए, किसी सफर के लिए आप निकलते हो, तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा मोड ऑफ ट्रैवल जो होगा वो आप पसंद करोगे? तो एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड रोडवेज. तो चार मोड ऑफ ट्रैवल हमको दिए हुए हैं. अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा पसंद करना है. तो मैं तो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन दे दूंगी. अब अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल या जर्नी आपको पसंद करनी है, अपने मोड ऑफ ट्रैवल आपको पसंद करना है अपनी जर्नी के लिए. चलिए आइए स्टार्ट कर देते हैं. गिव रीजंस फॉर योर प्रेफरेंस. और जो भी इन चार मोड ऑफ ट्रैवल को आप सिलेक्ट करते हो, उसमें आपको रीज़न भी देना है कि क्यों आपने एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज या जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, वो क्यों सिलेक्ट किया है आपने. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एयरवेज से. अगर आपको एयरवेज से जाना है, यानी कि आपको अगर बाई फ्लाइट जाना है, तो क्यों, क्या रीज़न है आपको क्यों पसंद है एयरवेज से जाना? एक तो टाइम सेविंग, इवन इफ इट इज़ कॉस्टली, वक्त बचाता है आपका. जैसे अर्जेंटली आपको कहीं ट्रैवल करके जाना है, भले पैसे उस वक्त फ्लाइट की टिकट के ज़्यादा है, लेकिन आपका वक्त तो बच रहा है ना. अफोर्डेबल नाउ अडेज ड्यू टू कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एंड रिलेटिवली लो फेयर्स. अफोर्डेबल है अभी के टाइम पर, क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ एक ही एयरलाइंस नहीं चलती, बहुत सारी एयरलाइंस है, चाहे डोमेस्टिक बोलो, इंटरनेशनल बोलो. और क्योंकि उनके बीच में आपस में कंपटीशन है, तो हमारा फ़ायदा है. हमारा क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर? हमारा फ़ायदा हो रहा है कि वो सारे हमारे लिए क्या है, अफोर्डेबल है. जहाँ पर कम पैसा रहेगा, हम वो फ्लाइट को पकड़ कर, उस एयरलाइंस की फ़्लाइट को पकड़ कर चले जाएंगे. कैन एन्जॉय बर्ड्स आई व्यू ऑफ डिफरेंट प्लेसेज. यानी कि अभी इतनी ऊंचाई से देखकर हमको दुनिया कितनी छोटी नज़र आती है. जब हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो हमको बड़ा मज़ा आता है देखने के लिए, बादलों में घूमना, उनको देखना, ऊपर से नीचे शहर जब दिखाई देता है तो उसकी खूबसूरती को देखना, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है. यूजफुल टू गो ऑल ओवर द वर्ल्ड इवन इफ वन कैन अफोर्ड. यानी कि पूरी दुनिया घूम सकते हैं आप फ्लाइट से, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको. इसलिए एयरवेज जो है वो, इसके ये सारे रीजंस है कि क्यों मुझे एयरवेज से ट्रैवल करना है. अब अगर मुझे पानी के रास्ते से ट्रैवल करना है, वाटरवेज से, डेफिनेटली स्विमिंग करके नहीं, शिप, बोट या क्रूज होगा ऑप्शन अगर आपको ट्रैवल करना है. क्यों ट्रैवल करना है? एन्जॉयबल वे टू ट्रैवल. ट्रैवलिंग ऑन वाटरवेज इज़ अ वेलकम रिस्पाइट फ्रॉम द रूटीन रोड एंड रेल ट्रैवल. कभी कभी ही ऐसा लाइफ में मौका आता है जब आपको शिप पे या क्रूज पे जाकर ट्रैवल करने मिलता है. ओके, तो ये एक एन्जॉयबल जर्नी भी हो जाती है. एंड प्लेसेस लाइक केरला वाटरवेज ऑफर ब्यूटीफुल सीनरी. अब आसपास केरला स्टेट में अगर आपने कभी ट्रैवल किया होगा, तो वहाँ पर वाटरवेज का ट्रांसपोर्ट जो है, वो मोड ऑफ ट्रैवल जो है, वो बहुत ज़्यादा होता है. क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर सीनिक ब्यूटी है, वहाँ पर ब्यूटीफुल नेचर को हमको देखने के लिए मिलता है. डेफिनेटली वाटरवेज से ट्रैवल करो तो ज़्यादा देखने मिलता है हमको, इसीलिए बोला गया है वाटरवे ऑफर्स ब्यूटीफुल सीनरी. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बाय क्रूज शिप वुड ऑफर न्यू एक्सपीरियंसेस ऑन द ओशन. यानी क्रूज में ट्रैवल करने से हमको ओशन का एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है. कैन एन्जॉय द लीजर. लीजर यानी कि अपना फ्री टाइम आप एन्जॉय कर सकते हो, लग्जूरी हो गया एक हिसाब से. एंड द रिलैक्स्ड पेस ऑफ लाइफ ऑन अ लॉन्ग जर्नी बाय वाटरवे. अब वाटरवे की जो जर्नी है, क्योंकि समुद्र पार करके हमको जाना होता है, तो ये थोड़ी सी लॉन्ग जर्नी होती है. जहाँ फ्लाइट से आप कुछ घंटों में पहुँच सकते हो, वहाँ वाटरवे से अगर जाओगे तो हो सकता है दिन भी लग जाए, महीने भी लग जाए, लेकिन मजा बड़ा आता है वाटरवे से ट्रैवल करने के लिए. रेलवेज. अब रेलवे से क्यों ट्रैवल करना है? अब जिसका ऑप्शन है सेफ ट्रैवल, क्विक और चीप वे ऑफ ट्रैवल. चीप का मतलब होता है सस्ता. अगर आपको चाहिए कि कहीं पर ट्रैवल करना है, लेकिन हमारा ज़्यादा बजट भी नहीं है, अगर हमको थोड़ा कम खर्चे में ट्रैवल करना है, तो रेलवे एक बेटर ऑप्शन है हमारे लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए.
कन्वीनियंट फॉर ओवरनाइट जर्नीज, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर नाइट स्टे एट होटल्स, यानी कि ओवरनाइट जर्नीज के लिए भी हमको क्या होता है, कहीं पर हमको ट्रैवल करना है, आधी रात को भी अगर हम ट्रेन में हैं तो क्या होगा, हमको एक सेफ्टी फील होता है, कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है। कंफर्टेबल फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड लार्ज ग्रुप, अब ये हर किसी के लिए कंफर्टेबल है क्योंकि अफोर्डेबल भी है और ज़्यादा स्पेशियस भी होती है बाय रेल। व्यू ऑफ पासिंग लैंडस्केप एंड ग्लिम्सेस ऑफ रूरल लाइफ अलॉन्ग द रूट, अब हमको लैंडस्केप देखने मिलता है, यानी कि आसपास से जब हम पटरी से गुजर रहे होते हैं, हमारी ट्रेन गुजर रही होती है, तो हमको जो सीनरी देखने मिलती है वो भी अच्छा लगता है, गांव भी देखने मिलते हैं कई सारे हमको, राइट। अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल एंड इवन मेक न्यू फ्रेंड्स, अलग अलग लोग मिलते हैं हमको ट्रेन में भी, तो हमको अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जान पहचान बनाने का मौका मिलता है। वर्क, फैमिली ट्रिप्स, पिलग्रिमेज, टूरिंग, ऑल काइंड ऑफ जर्नीज आर पॉसिबल एंड अफोर्डेबल, चाहे कैसी भी जर्नी हो आपकी, चाहे काम से रिलेटेड हो, फैमिली ट्रिप हो, पिलग्रिमेज हो, कोई यात्रा पर अगर आप जा रहे हो अपने रिलीजन की, तो ये सारी चीज़ों के लिए अफोर्डेबल भी हैं और आप कन्वीनियंटली चले भी जाते हो। रोडवेज, अब रोडवेज से क्या बोल रहा है, कैन ट्रैवल थ्रू रिमोट एरियाज, अब ट्रेन जो है वो हर एरिया में नहीं जाएगी, फ्लाइट जो है वाटरवेज से हर एक छोटे मोटे एकदम दूर दूर के एरिया में आप नहीं जा सकते हो, लेकिन रोडवेज से यानी कि आपकी व्हीकल है, आप व्हीकल से रिमोट एरियाज में भी जा सकते हो, रिमोट मतलब दूर दूर के एरिया तक भी आप कार से ट्रैवल या अपनी व्हीकल से ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल बाय वन ओन व्हीकल गिव्स अ लॉट ऑफ फ्रीडम, अपनी खुद की व्हीकल होना अगर तो ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग होता है, जब भी आपको कहीं रुकना है आप रुक सकते हो, जब भी आपको अपनी गाड़ी लेकर चले जानी है आप निकल सकते हो। कैन एन्जॉय द नेचुरल ब्यूटी, ग्रीनरी, माउंटेन्स, वाटर बॉडीज, हर एक चीज़ एन्जॉय कर सकते हो, नेचुरल ब्यूटी भी एन्जॉय कर सकते हो, ग्रीनरी हरियाली भी देख सकते हो कई सारी, और वाटर ब्यूटीज जो है वो वाटर बॉडीज जो है आपको वो भी देखने मिल जाती है। सी वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर्स, फ्लोरा, स्टाइल्स ऑफ क्लोदिंग, फूड एंड हियर न्यू लैंग्वेजेस, रस्ते पे कई सारे लोग मिलते हैं, कई सारे लोगों से मुलाकात भी होती है हमारी, अलग अलग सीनिक ब्यूटीज़ भी हमको देखने मिलती है, तो रोड की ट्रैवल जर्नी का जो मज़ा होता है वो भी अपना एक अलग ही मज़ा होता है। तो ये है अलग अलग मोड ऑफ ट्रैवल जिसके अपने अलग अलग रीजंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है डिस्कस विथ योर पार्टनर द प्रिपरेशंस यू वुड लाइक टू मेक फॉर द जर्नी चूजन, अब आपको क्या करना है, आपको बताना है अपने पार्टनर के साथ मिलकर, आपको लिखना है ये आंसर, पार्टनर मतलब अपने फ्रेंड के साथ में लिखकर एक आंसर लिखना है आपको, जिसमें आपको बताना है कि अगर आप जर्नी के लिए निकलते हो, जाते हो, तो कौन सी जर्नी जो है वो आप चूज़ करते हो और उसके लिए क्या क्या तैयारी कर कर जाओगे। कहीं भी हम निकलते हैं, एक छोटी सी पिकनिक भी बनानी होती है हमको, तो हम उसकी प्रिपरेशन एडवांस में कर लेते हैं, राइट। तो सेम चीज़ हमको करना है, अगर हमारी कोई जर्नी है तो हमको पहले सोचना है हमको तैयारी क्या करनी है उस चीज़ की। नाउ अ जर्नी बाय रोड विल नीड अ वर्चुअल मैप, अगर हमको रोड से जाना है तो हमको एक वर्चुअल मैप की ज़रूरत होगी, वर्चुअल भी हो सकता है और एक आपका फिजिकल मैप भी हाथ में हो सकता है, वर्चुअल मैप जो आपके फ़ोन में होता है, राइट, डिजिटल मैप होता है, तो आपको उसकी ज़रूरत है। फॉर द रूट टू टेक, कौन से रास्ते से जाना है, किस तरीके से जाना है, रोड ट्रिप्स आर अनप्रेडिक्टेबल, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो रोड ट्रिप का, कहाँ ट्रैफिक मिल जाएगी, कहाँ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये रास्ता उस रोड पर कनेक्ट करता है नहीं करता है हमको नहीं पता, इसलिए हमको रोड मैप की ज़रूरत है। नाउ एक्सेप्ट फॉर हाईवेज वी डू नॉट नो वेयर फूड, वाटर एंड फैसिलिटीज़ लाइक, अभी हाईवे को छोड़कर हमको नहीं पता हमको ये सारी फैसिलिटीज़ कहाँ पर मिलेगी, चाहे वो खाने की हो, पानी की हो, रेस्ट रूम्स की हो, फार्मेसी की हो यानी दवाइयों की हो, वॉशरूम्स की हो, तो ये सारी फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल होगी ये हमको आइडिया नहीं है, हमको सिर्फ हाईवे पर ऐसी कोई फैसिलिटी मिल सकती है, कहीं कोई ढाबा मिल गया तो हमको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, तो वो सारी चीज़ों की भी तो तैयारी करनी होगी ना, अपने बैग में स्नैक्स कुछ हमको रख देना होगा, राइट। ओके, नाउ वन हैज़ टू कैरी फूड, ड्रिंक्स एंड नेसेसरी मेडिसिन, अगर आपकी कोई स्पेसिफिक दवाई है जो आपको खानी पड़ती है खाने के पहले, तो ये सारी चीज़ों की तैयारी हमको एडवांस में करनी पड़ती है, एक फर्स्ट एड बॉक्स भी हम लेकर निकलते हैं, बिकॉज हमको नहीं पता कब कौन सी रोड ट्रिप की अनप्रेडिक्टेबल जर्नी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है। नाउ अम्ब्रेला और अदर रेनवेयर, फ्लैश लाइट, स्पेयर टायर, टूल बॉक्स एंड जैक आर अ मस्ट, अगर अपनी खुद की व्हीकल ले जा रहे हो, कार लेकर जा रहे हो, तो टूल बॉक्स होना ज़रूरी है आपके पास में, उसी के साथ साथ अगर बारिश का मौसम है तो एक अम्ब्रेला या अपना रेनवेयर, रेनकोट जो है वो आपको लेकर जाना चाहिए, एक फ्लैश लाइट होनी चाहिए आपके पास यानी कि एक टॉर्च होना चाहिए, स्पेयर में एक्स्ट्रा टायर होना चाहिए आपके कार में अगर आपकी व्हीकल ले जा रहे हो, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या है, इन हैंड आपने पहले ही क्या करके रखा है, प्रिपरेशन करके रखा है हर एक प्रॉब्लम के लिए, पहले से सॉल्यूशन जो है अपना वो लेकर चलो।
ऑल्सो बिफोर ट्रैवलिंग बाय वन्स ओन व्हीकल वन मस्ट हैव द व्हीकल फुल्ली सर्विस्ड, यानी आपकी जो व्हीकल है उसको पूरी तरीके से सर्विस करके लेकर जाओ, किसी तरीके का ऑयल लीकेज नहीं हो रहा हो, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपनी व्हीकल लेकर ट्रैवल कर रहे हो। अब इसके साथ ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू व्हीकल्स, ड्राइवर लाइसेंस, अपना लाइसेंस ना भूलें वो लेकर जाइए अगर अपनी कार लेकर जा रहे हैं आप, रजिस्ट्रेशन पेपर्स, PUC सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस पेपर, क्योंकि रस्ते में अगर कहीं पर आपको कोई चेकिंग होती है तो आपको रोका जाता है, तो आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, चाहे आपका PUC हो, आपका इंश्योरेंस हो, आपका लाइसेंस हो, जो ड्राइवर बेसिकली ड्राइव कर रहा है उसका लाइसेंस होना बहुत जरूरी होता है। ऑल जर्नीज रिक्वायर द ट्रैवलर टू वेयर सूटेबल एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स, किसी भी जर्नी में अगर आप निकल रहे हो तो थोड़े से कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनकर निकलो, अगर आपका रोड का ट्रैवलिंग लॉन्ग ट्रिप है, बहुत लंबा है, एक कंफर्टेबल कपड़े जो है वो पहनकर निकलो। सो वन वुड हैव टू वेयर एंड पैक क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज अकॉर्डिंगली, तो क्योंकि रोड की जर्नी है, लंबी जर्नी है, इसीलिए आपको कपड़े जो है उसके हिसाब से पहनने पड़ते हैं, उस हिसाब से अपने सामान को पैक करो, 2 या 3 दिन की जर्नी है आपकी, उस हिसाब से आपको अपना सामान पैक करके ले जाना है। वन ऑल्सो हैज़ टू फोरसी व्हाट द वेदर कंडीशंस मे बी अलॉन्ग द जर्नी एंड कैरी नेसेसरी आइटम्स, अभी आपको ये भी देखना है, अगर समझ लो आप यहाँ से किसी और स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो आप लोग क्या करोगे, डेफिनेटली ठंडी के हिसाब से हमारे जो वार्म क्लोथ्स हैं हम वो कैरी करेंगे, उसी के साथ साथ और क्या चीज़ें हमको लग सकती है, तो जहाँ पर हमको जाना है हमको वेदर को ध्यान में रखते हुए जाना है कि वहाँ का वेदर कैसा है। Since all of us have mobile phones and our families will want to know about our well-being, one must remember to carry the phone charger and even a power bank if possible. हमको पता है मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, ऑफकोर्स जहाँ हम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, घंटों मोबाइल फ़ोन हमको यूज़ करने की आदत है, तो उसकी बैटरी डाउन हो सकती है, तो वी नीड टू मेक श्योर हम उसका चार्जर जो है और पावर बैंक जो है अपने साथ में कैरी कर रहे हैं। वन मस्ट कैरी अ लिस्ट ऑफ एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स ऑन पेपर इन केस वंस फोन इज लॉस्ट और डज नॉट वर्क, अब इसी के साथ साथ एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके जो होंगे जिनको आप इमीडिएट कॉल कर सकते हो, अगर आपका फ़ोन घूम गया या फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, आपको किसी को कॉल लगाना है, हमारी मेमोरी में हम किसी के नंबर्स तो याद रखते नहीं, तो एक डायरी कैरी करो जिसके अंदर आपने इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर लिख कर रखे हो, ताकि किसी भी इमरजेंसी में आप किसी को कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हो कि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है या कहीं पर घूम गया है, तो आप एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। If one decides to travel alone, one must be in touch with their loved ones daily. अगर आप decide करते हो कि मुझे solo traveling करना है, तो make sure आप किसी ना किसी को inform करके जा रहे हो और उनसे touch में रहना है, connected रहना है, ताकि आप कहीं भी जा रहे हो कोई ना कोई है जो आपकी location को track कर रहा है और समझ पा रहा है कि आप कहीं travel कर रहे हो, at least once a particular time, यानी कि एक दिन में एक या दो बार या तीन बार आप कॉल करके इन्फॉर्म करते रहो दैट यू आर सेफ एंड यू हैव रीच्ड सो एंड सो प्लेस, तो जहाँ जहाँ पहुँच रहे हो वहाँ पर आप इन्फॉर्म करते जाओ। इफ़ वन हैज़ द कंपनी देन द ट्रैवलर शुड ऑल्सो डिस्कस द बजट शेड्यूल हाउ टू टैकल इमरजेंसीज, अगर आपके पास कोई कंपनी है किसी के साथ में ट्रैवल कर रहे हो तो याद रखना है आपको डिस्कस करना है कि आप बजट डिस्कस करना है, शेड्यूल किस कैसे जाने वाले हैं, पूरी आइटिनरी आपको बनानी होगी, हाउ टू टैकल इमरजेंसीज, अगर किसी तरीके की इमरजेंसी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको आप कैसे डील करने वाले हो, एंड ऑल्सो वॉट टू डू इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, और अगर किसी तरीके का कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, सिचुएशन आ जाती है आपके सामने, तो जो भी आपकी कंपनी आपके साथ में, जो आपका पार्टनर आपके साथ में, आपको उसके साथ पहले ही इन हैंड डिस्कस कर लेना है कि हमको इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना होगा। इन केस जैसे हम घर से निकलते हैं, अगर हम बिना हेलमेट के निकले तो हमको अच्छे से पता है पुलिस वाले पकड़ने के चांसेस होते हैं, तो हम इन हैंड प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्या होगा अगर पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो ऑलरेडी नाकाबंदी चल रही है, चेकिंग चल रही है बाहर, तो हम लोग उसके लिए अपने प्रिकॉशंस लेकर चलते हैं। तो जब भी आप रोड की जर्नी पर निकले आपको नेसेसरी प्रिकॉशंस जो है वो पहले से ही ले लेने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज डिस्कस द वे इन विच यू वुड ओवरकम द प्रॉब्लम्स और हिंड्रेंसेज डिफिकल्टीज यू फेस ड्यूरिंग द जर्नी, अभी आपको डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, आपको डिस्कस करना है अगर आपकी सफ़र में किसी तरीके का प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, डिफिकल्टीज अगर आप फेस करते हो, हाउ वुड यू ओवरकम देम, ओवरकम यानी कि उन प्रॉब्लम से कैसे आप डील करोगे। पहला है, इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम ऑफ डिफिकल्टी आई वुड गो टू द नियरेस्ट प्लेस वेर आई कैन ट्राई एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि जहाँ पर मैंने कोई प्रॉब्लम फेस की है तो नियर बाय प्लेस में मैं देखने की कोशिश करूँगा या कोशिश करूँगी कि क्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे अपने आसपास कहीं पर मिलता है, राइट। आई वुड इन्फॉर्म माई फैमिली अबाउट द प्रॉब्लम, अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो घर पर भी मेरा फ़र्ज बनता है कॉल करके इन्फॉर्म कर दूँ। आई वुड टेक द स्टेप्स नीडेड एंड सी टू इट दैट द प्रॉब्लम डज नॉट गेट वर्स, और मुझे ऐसे स्टेप्स लेना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम जो है वो बढ़े नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करके रहूँ। आई वुड इंश्योर दैट आई एम सेफ टिल द प्रॉब्लम इज़ रिजॉल्व एंड आई कैन कंटिन्यू द जर्नी रिटर्निंग होम, यानी कि मुझे इंश्योर करना चाहिए कि मेरी जो जर्नी है जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तब तक मैं सेफ हूँ, राइट। वेदर यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय, ठीक है, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में होती है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग,
to any other parts of the country. Next question says, during every journey, we have to observe certain rules. Discuss your ideas of the journey without any restriction. अभी हर एक journey में हमको अच्छे से पता है कि हमको कुछ ना कुछ rules and regulations होते हैं जो कि follow करने पड़ते हैं. तो ऐसी क्या situation है या फिर ऐसे क्या ideas आप दे सकते हो अपनी journeys के लिए? अगर आपको किसी तरीके का restriction ना हो तो आपको ideas discuss करने आप क्या करेंगे? I would go with my friends since we work well as a team, even though we have varied interests and skills. तो यानी कि अगर मुझे travel करना है तो मैं क्या करूँगा, अपने friends के साथ में ही travel करूँगा. भले हमारे opinions अलग है, सोच अलग है, तो क्या हुआ, मैं हमेशा अपने साथ किसी ना किसी को रखूँगा जिनके साथ में मैं travel करूँ. We are like-minded about most things, we will share the cost. अब हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों में हमारी similarities है तो हम लोग जो खर्चा है वो आपस में बांट लेंगे. My friends and I love to have fun, but none of us is ever unruly. Unruly का मतलब होता है हम लोगों को मस्ती मजाक करना दोस्तों के साथ में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसी तरीके से किसी को परेशान करे या किसी रूल को ब्रेक करे वो हम वैसे दोस्त हम लोग नहीं हैं. We do and always will respect the law. यानी कि हम लॉ जो है उसकी रिस्पेक्ट पहले भी करते आए हैं, अब भी करते हैं. And are particular about others' safety as well. और हम लोग इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे कि हमारी वजह से किसी और का नुकसान नहीं हो रहा हो, हमारी वजह से कोई अनसेफ फील ना करे. We will follow all the safety rules wherever required. Besides, none of us smokes nor consumes alcohol. अब हम लोग को क्या बताना है यहाँ पर, हम लोग सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करेंगे और फॉलो करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, ना हम में से कोई ऐसा है जिसको अल्कोहल की आदत है कंज्यूम करने की, ना किसी को स्मोक करने की आदत है. वी विल कीप अ लॉग बुक टू रिकॉर्ड इन डिटेल आर रोड ट्रिप. दिस कैन बी यूज एज अ ट्रैवल गाइड फॉर फ्यूचर जर्नीज. वी कैन ऑल्सो गाइड आवर फ्रेंड्स हु वॉन्ट टू टेक अ सिमिलर ट्रिप. यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एक डायरी में अपनी जो भी ट्रैवल जर्नी रही है उसको नोट डाउन करेंगे कि हम कहाँ गए थे, कहाँ पर अच्छा खाना मिल सकता है, यहाँ से ट्रैवल करने के लिए कितना डिस्टेंस है, कितने किलोमीटर्स पर हमारी जर्नी रही है. सारी चीज़ों को हम एक डायरी में नोट डाउन करेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम अगर हमको ट्रिप पर आना हो तो हम उसको रेफ़र कर सकते हैं. अगर हमारा कोई दूसरा फ्रेंड आता है यहाँ पर ट्रिप के लिए तो हम उसको भी वो डायरी दे सकते हैं, उसके ट्रैवलिंग में उसकी हेल्प हो जाएगी, उसको एक नोट मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या उनको करना चाहिए. दैट वॉज बेसिकली यू आर आइस ब्रेकर ऑफ the road journey. Okay. Now we will start with the brainstorming session, that is the workshop basically, which is given at the end of your poem. Pick out the lines showing that the poet is prepared to enjoy every moment of his journey. यानी poem से हमको ऐसी lines निकालनी है जो कि ये बताता है कि poet जो है वो अपने life के हर एक moment को जो है journey के हर एक moment को क्या कर रहा है, enjoy कर रहा है, right? तो लेट अस सी कौन सी लाइट है, लाइंस है. अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड. तो सबसे पहली वाली जो लाइन है उसमें पोएट ने क्या कहा है, अ फुट एंड लाइट हार्टेड, यानी पैदल चलता हुआ बिना किसी बोझ को लिए हुए अपने दिल पे मैं चलता हुआ जा रहा हूँ. तो बेसिकली ही इज़ एन्जॉइंग दी ओपन रोड जर्नी. हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज. यानी जहाँ पर भी मुझे जाना है ये रास्ते से मैं अपनी मंजिल को खुद तय करूँगा. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune. यानी कि मैं तकदीर से कुछ नहीं चाहता हूँ, नसीब से कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं नहीं बोलता मेरा नसीब अच्छा कर दे कोई, लेकिन मैं अपना नसीब जो है खुद अच्छा करना चाहता हूँ. Henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing. यानी कि अब मैं इसके बाद से अब से ना तो मैं रोऊंगा, ना मैं क्रिबिंग करूँगा, ना किसी चीज़ को पोस्टपोन करूँगा, अब मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए. Strong and content, I travel the open road. Strong and content, content का मतलब मैंने आपको बताया था, content का मतलब होता है सेटिस्फाई रहना. तो मैं बहुत ही strong और satisfied हूँ अपनी इस journey से जो कि मैं travel कर रहा हूँ. तो basically ये सारी lines है जो बताती है कि हमारा जो poet है वो क्या कर रहा है, enjoy कर रहा है life के हर एक moment को. कौन से moment को, जो journey उसने तय की है उनके moments को. Question number second question, okay. By old delicious burdens the poet means, अब उसने एक जो stanza हमारा last ख़त्म हो गया उसके बाद में bracket में कुछ दिया हुआ था जिसको हम after thought बुलाते हैं. तो क्या बोल रहा है वो, old delicious burdens जो उसने कहा था, तो उस old delicious burdens का मतलब क्या था, क्या उसका मतलब luggage था, नहीं वो कोई luggage carry करके नहीं चल रहा है. क्या वो कोई फूड के, कोई खाने के बारे में जिक्र कर रहा है, द फूड ही कैरीज, नो. द स्ट्रेस ही बेस ड्यूरिंग द ट्रेवल्स, नो. जर्नी में किसी तरीके के स्ट्रेस के बारे में बात नहीं हुई थी. स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट, येस दिस इज़ द करेक्ट आंसर. यानी कि वो क्या बोलता है, मेरी भी लाइफ में बहुत दुख है, तकलीफें है, बोझ है, लेकिन ये बोझ जो है वो क्या है, काफ़ी मज़ेदार है. तो स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट है जिसके बारे में उसने बात की थी. द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, द पोएट इज़ अ पर्सन हु इज़ फ्री फ्रॉम ऑल इनहिबिशंस. Discuss
हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम इज एक्सप्रेस्ड इन द पोएम. अब यहाँ पर पोएट के बारे में क्या बोला गया, एक ऐसा इंसान है जो किसी भी तरीके की तकलीफ और परेशानियों में नहीं गिरा हुआ है, तो क्या एग्जैक्टली ये पोएम में जो है वो बताना चाह रहा है. द पोएट इज अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ जर्नी, यानी कि वो एक लाइफ की न्यू जर्नी, एक नया सफर जो है वो अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं. ही डज नॉट कंसिडर एनी थिंग कैन रिस्ट्रिक्ट हिम, यानी कि वो ऐसा सोचते हैं कि लाइफ में उनको कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर नहीं है, वो खुद भी किसी तरीके का अपने ऊपर डाउट नहीं कर रहे, हेजिटेशन यानी कि हिचकिचा नहीं रहे अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ से. He says he is physically fit and carefree in his attitude. यानी कि वो क्या बोल रहा है पोएट जो है, वो बोल रहा है कि मैं फिजिकली फिट भी हूँ, हेल्दी भी हूँ और मैं फ्री भी हूँ अपने डिसीजंस जो है उसको खुद लेने के लिए, अपनी लाइफ की जर्नी को डिसाइड करने. He is all set to follow the road to his dream or destination. यानी कि वो ऑल सेट है, उन्होंने सोच लिया है कि अपनी लाइफ में जो भी होगा वो मैं खुद तय करने वाला हूँ. He does not want to depend on good luck or fortune to favor him. किसी तरीके के गुड लक की उनको ज़रूरत नहीं है, गुड लक विशेज़ की उनको ज़रूरत नहीं है, गुड फॉर्चून की ज़रूरत नहीं है. ही हैज़ हिज लाइफ हिज डेस्टिनी इन हिज ओन हैंड्स, यानी कि अपनी तकदीर उन्होंने बोल दिया कि मैं अपनी तकदीर को खुद लिखने वाला हूँ. एंड इज़ कॉन्फिडेंट दैट इज़ इनफ, और वो इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए क्या है, काफ़ी है कि अपनी तकदीर अपने नसीब को मैं खुद लिखूंगा. He doesn't want to confine himself to the pettiness and fault finding of indoor life. यानी वो किसी तरीके की क्रिबिंग नहीं करना चाहते हैं, जो लोग कंप्लेंट्स करते हैं या हम खुद से कंप्लेंट्स रखते हैं उनको ये सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है. He selects instead the open road, the path of total freedom. यानी कि ये सारी चीज़ों से वो दूर क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने लिए क्या चूज़ कर रहे हैं, पाथ ऑफ फ्रीडम, यानी कि ऐसा रास्ता जहाँ पर आज़ादी हो, जहाँ पर किसी भी तरीके से लोग जो है अपने प्रिजनर वाले थॉट को लेकर उनकी लाइफ में एंटर नहीं कर रहे हैं. ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है. ओके, फॉलोइंग आर दी एक्टिविटीज़ of the poet related to his journey on the road. Divide them into two parts as activities the poet will practice and activities he will not practice. यानी यहाँ पर क्या किया गया है, कुछ activities दी गई है जो आपको दो part में divide करना है. एक जो poet ने बोला है कि वो करने वाले हैं, और दूसरी activities ऐसी दी गई है जो कि वो life में नहीं करने वाले हैं, तो उनको divide करना है. तो पहली activities, ये सारी activities हमको दी गई है, walking along the road though he does not know where it reaches. दूसरा बोला गया है complaining about the journey discomforts, postponing the journey, praying for good fortune, carrying the fond memories of good people. तो इन सारी journeys के बारे में जो activities दी है हम उसमें से अभी divide करते हैं, poet ने क्या बोला है, वो क्या करने वाले है. Walking along the road though he does not know where it reaches. वो यानी वो रास्ते पर चलकर चले जाते रहेंगे, भले उनको नहीं पता कि ये रास्ता उनको कौन सी मंजिल की तरफ ले जा रहा है, लेकिन वो चलेंगे. Yes, ये उन्होंने कहा था, तो ये जो है वो acceptable है, ये practice वो follow करेंगे. Complaining about the during the journey discomforts, नहीं ये वो नहीं करने वाले हैं, किसी तरीके की कंप्लेन लाइफ में नहीं करने वाले. Postponing the journey, नहीं उन्होंने कहा था postpone no more, यानी कि किसी भी चीज़ों का भी वो postpone नहीं करने वाले हैं, तो ये जो है वो नहीं करेंगे. Praying for good fortune, नहीं उन्होंने कहा था कि मुझे किसी भी good fortune की, अच्छे नसीब की या good luck wishes की ज़रूरत नहीं है. Carrying the fond memories of good people, ओके यहाँ उन्होंने कहा था ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स की जो बात की थी, तो हम उसको रिलेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दिस कैन बी प्रैक्टिस्ड. क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट्स विद फेमस एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो कॉन्स्टलेशंस वाला टॉपिक था, नहीं उन्होंने नहीं कहा था मैं किसी फेमस इंसान के साथ में रहना नहीं चाहता हूँ, ना ही उनको अपने पास रखना चाहता हूँ. Striving to achieve high and bright success, क्या उन्होंने ऐसे कुछ कहा है, striving to achieve high and bright success, yes, यानी कि मैं जो भी करूँगा अपनी लाइफ में खुद से अपने आप को बनाऊँगा, लेकिन मैं किसी और की हेल्प नहीं लूँगा. तो ये करेक्ट है. Reflecting and developing his own self, यानी कि अपने आप को खुद के दम पर बनाना, तो डेफिनेटली वो ये चीज़ करने वाले हैं. तो इनमें से ये चार एक्टिविटीज़ ऐसी है जो कि प्रैक्टिस हमारे पोएट करने वाले हैं, जिसके सामने मैंने रॉन्ग टिक किया है, वो सारी चीज़ें वो प्रैक्टिस जो है वो नहीं करेंगे. सो दैट वॉज द आंसर टू दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन. अब यहाँ पर दिया है राइट डाउन द ट्रेड्स द पोएट एग्जिबिट्स थ्रू दी फॉलोइंग लाइन्स. अब हर एक लाइन में उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक, अपने एक फीचर को बताया है, तो देखते हैं क्या बताया है. हैंस फोर्थ आई आस्क फॉर नो गुड फॉर्चून, आई माई सेल्फ एम गुड फॉर्चून, यानी कि मैं किसी भी तरीके के अच्छे नसीब की प्रार्थना या प्रेयर नहीं करता हूँ, मैं खुद अपना अच्छा नसीब बनाऊंगा. बेसिकली जब कोई ऐसा बोलता है तो दैट पर्सन इज कॉन्फिडेंट इनफ. तो यहाँ पर उन्होंने कौन सा फीचर बताया अपना, दैट ही इज़ अ सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सन.
हैंसफोर्थ आई विम्पर नो मोर, पोस्टपोन नो मोर, नीड नथिंग. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं. विम्पर नो मोर यानी कि मैं किसी तरीके से अभी रोना गाना नहीं करने वाला हूँ, चीज़ों को पोस्टपोन नहीं करने वाला हूँ. तो क्या होता है वो, एक तो उन्होंने पॉजिटिविटी का ट्रेड बताया दैट ही इज़ वेरी मच पॉजिटिव पर्सन, और उसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. आई डो नॉट वॉन्ट दी कॉन्स्टेलेशन एनी नियरर, यानी वो इंडिपेंडेंट है और सेल्फ एश्योरेंस यानी कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ. I swear it is impossible for me to get rid of them. यहाँ पर उन्होंने क्या दिखाया, कौन से ट्रेड्स दिखाया, एक तो ऑनेस्टी दिखाया है, लाइफ की हर अच्छी बुरी चीज़ों को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने सारे इमोशनल अटैचमेंट को उन्होंने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है. आई एम फिल्ड विद देम, आई विल फुलफिल देम इन रिटर्न. तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, वो थैंकफुल और ग्रैटिट्यूड वाला जो है उनका एटीट्यूड है यहाँ पर, यानी कि वो हर चीज़ के लिए क्या है, थैंकफुल है. लाइफ में उनको जो मिला है, चाहे प्रॉब्लम्स हो, वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करने वाला है, तो ही इज़ वेरी मच थैंकफुल. तो उनका जो गिव एंड टेक वाली बात है कि जो भी प्रॉब्लम मुझे मिली है उसको मैं खुद ही सॉल्व करने वाला हूँ. तो बेसिकली ये सारे फीचर्स जो है या ये सारे ट्रेड्स जो है जो पोएट के बारे में हमको बताते हैं, जो स्टैंजा से लाइन्स पिकअप की गई है उनसे रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, एक्सप्रेस योर व्यूज रिगार्डिंग दी अबाव लाइन. यानी हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, अब एग्जैक्टली ये लाइन क्या बोलना चाहती है, हेल्दी और फ्री का मतलब क्या बताया था, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है यानी तंदुरुस्त है, फ्री है यानी कि किसी तरीके के प्रेशर में वो नहीं जी रहे हैं. पोएट इज़ अबाउट टू सेट ऑन अ न्यू पाथ इन हिज लाइफ. तो यहाँ अपनी लाइफ की एक न्यू शुरुआत करने की बात कर रहे हैं वो. इसी के साथ साथ ही इज़ ऑफ हेल्दी बॉडी एंड माइंड, यानी वो माइंड से भी हेल्दी है और बॉडी से भी क्या बोल रहे हैं, दैट द पर्सन इज, द पोएट इज़ हेल्दी. ही फील्स स्ट्रांग इनफ टू मीट चैलेंजेस ही मे हैव टू फेस ऑन द वे. यानी कि वो हेल्दी है, वो फ्री है, लाइफ में अभी आगे की जो जर्नी उन्होंने तय कर रखी है न्यू, इसमें किसी भी तरीके के चैलेंजेस आए, प्रॉब्लम्स आए, वो उसको फेस करने ओपनली तैयार है. His attitude is quite positive, hopeful and determined. जो उनका attitude है life में वो काफ़ी ज़्यादा positive है, hopeful है, determined है. क्या है determined? कि कोई भी problem आने दो, कोई भी challenge आने दो, I am ready to face that challenge. We can infer from this that the poet longs for freedom more than anything else. यानी कि इससे हमको क्या पता चलता है, जो poet है उनको freedom चाहिए. उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए. किसी भी और चीज़ के ऊपर उन्होंने इतना एम्फोसिस नहीं किया है जितना फ्रीडम के ऊपर किया है. ही डिटेस्ट ऑल सॉर्ट्स ऑफ बॉन्डेज एंड पेटीनेस एंड वॉन्ट्स टू ट्रेड ऑन अ पाथ ऑफ हिज ओन. यानी उनको किसी भी तरीके का बॉन्डेज एंड पेटीनेस यानी कि उनको किसी की दया नहीं चाहिए, किसी के साथ किसी तरीके का कोई अटैचमेंट जो है वो उनको नहीं रखना है. In short, he realizes that the world can offer a lot if you dare to confront it with confidence and optimism. यानी दुनिया में बहुत कुछ है ऑफर करने के लिए, अगर आप चैलेंज के साथ चलो, कॉन्फिडेंस और ऑप्टिमिज्म यानी कि पॉजिटिविटी के साथ अगर आप लाइफ में आगे बढ़ो, तो दुनिया के पास बहुत कुछ है आपको ऑफर करने के लिए, आपके पास भी बहुत कुछ है दुनिया को ऑफर करने के लिए. So that was the answer to this specific question. Okay, the next question says, the poet has used many describing words like healthy in the poem. Make a list and classify them as for the world. Yani unhone kai baar aise words ka use kiya hai jahan par healthy jaise term ko unhone use kiya hai. To kai jagahon par unhone aise bahut sare words use kiye hai. To humko kya karna hai, batana hai ki kahan kahan par healthy word jo hai wo use hoga, aur uske alawa alag alag words jo hai wo use ho sakte hai. For the world ke liye use hua hai healthy and free. फॉर हिमसेल्फ, उनके खुद के लिए उन्होंने क्या एडजेक्टिव्स यूज़ किए हैं, लाइट हार्टेड यूज़ किया है, गुड फॉर्चून, स्ट्रॉन्ग, कॉन्टेंट, ये सारे उन्होंने खुद के लिए यूज़ किए हैं. फॉर द रोड के लिए उन्होंने क्या यूज़ किया है, ओपन रोड. सॉन्ग, इस पोयम का टाइटल ही है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, राइट. तो एक ओपन उन्होंने यूज़ किया है रोड के लिए. लॉन्ग ब्राउन पाथ का मतलब भी हमने देखा था कि उसका मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली रोड ही होता है, तो ये उन्होंने यूज़ किया था. The next question says, the road in the poem does not mean only the road to travel. The poet wants to suggest the road of life. यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक मेटाफर यूज़ किया है रोड को, जो है उन्होंने लाइफ से कंपेयर किया है अपने. सिर्फ उनका मतलब जो रोड जो है वो मोड ऑफ ट्रैवल के लिए यूज़ नहीं होता है, लाइफ से उन्होंने क्या किया है, रिलेट किया है. तो आपको इस मेटाफर का मतलब जो है उनको समझाना है. The road referred to by the poet is not only the road for traveling but also the journey of life. यानी जिंदगी का जो सफर है उसके बारे में उन्होंने क्या किया है, बताया है road as a metaphor use करके. When we travel, we plan, meet new people and come across difficulties. जब भी हम लोगों से मिलते हैं तो हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं, जब एक जर्नी पर निकलते हैं हम लोग अलग अलग लाइफ के एक्सपीरियंस भी करते हैं और कई सारी प्रॉब्लम्स भी हम लोग फेस करते हैं. सिमिलरली ऑन द रोड ऑफ लाइफ वी नीड टू मेक वाइज चॉइसेस एंड एनकाउंटर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस.
तो लाइफ की जो हमारी जर्नी है इसमें भी हम बहुत अलग अलग लोगों से मिलोगे, कई सारे चैलेंजेस भी जो है वो हम लोग फेस करेंगे, लेकिन कितना वाइजली आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में. एनकाउंटर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लाइक फेलियर एंड विक्ट्री. तो आपका वाइज डिसीजन होना चाहिए, काफ़ी स्मार्टली आपको अपने फेलियर को विन करना आना चाहिए. कई कई बार ऐसा भी होगा कि आप जीतोगे भी लाइफ में और हारोगे भी, लेकिन आपको अपनी हार और जीत एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए वाइजली. वी मस्ट गो अहेड विद अ पॉजिटिव एंड फ्लेक्सिबल माइंड सेट. अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस विल कम अप, यानी कि आप जैसा सोचोगे लाइफ वैसे नहीं चलेगी, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस लाइफ में होंगे, तो आपको अपनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से भी डील करना आना चाहिए. कई बार अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस भी होंगे, जैसा आपने सोचा था वैसा लाइफ में नहीं हुआ, तो वो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हो गए. बट इफ़ वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस एनी डिफिकल्टी कैन बी सरमाउंटेड. अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर दैट यू कैन डील विद द प्रॉब्लम, डेफिनेटली किसी भी तरीके की डिफिकल्टी क्यों ना हो यू विल बी एबल टू डील विद द प्रॉब्लम. We must just be strong. All that we need to be is you have to be strong enough to face the problem, to face the difficulty, to overcome the situations. There are certain words that are repeated in the poem. For example, no more. Find out other similar expressions, explain the effect they have created in the poem. यानी कि पोएम में ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो कौन सी लाइन्स में रिपीट हुए हैं हमको वो देखना है. सबसे पहले यहाँ पर दिया है तुम्हारा ओपन रोड, जो कि लाइन 1 और 7 में यूज़ किया गया है. इंडिकेट्स द पाथ इन लाइफ इज ओपन वाइड फॉर द पोएट पर्सन टू मेक एनी चॉइस ही वॉन्ट्स, द अपॉर्चुनिटीज़ आर अनलिमिटेड. यानी कि ये जो बार बार ये वर्ड यूज़ किया है ओपन रोड, इसका मतलब क्या है, लाइफ में फ्रीडम के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, वाइज चॉइसेस के बारे में बात हो रही है, कि आपकी लाइफ के जो भी डिसीजंस होते हैं वो आपके खुद के होते हैं. वाइज डिसीजंस होंगे या कैसे भी डिसीजंस होंगे वो आपके खुद के डिसीजंस होंगे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है वो हर चीज़ में, आपके डिसीजंस लेने के लिए बेसिकली आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, और ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ आर अनलिमिटेड, तो आपको पता होना चाहिए कब आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है. नेक्स्ट आता है आपका बिफोर मी. द पोएट इज़ लुकिंग एट द रोड अहेड हिज फ्यूचर लाइफ. बिफोर मी यानी मेरे सामने जो रास्ता है, जब वो बोल रहे हैं तो वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं पोएट, कि हिज फ्यूचर लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, हिज आउटलुक फॉर द अपकमिंग जर्नी. यानी जो जर्नी मैंने स्टार्ट की है, जो सफ़र मैंने तय किया है अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो उसका दो मीनिंग है, एक तो जो रास्ता आगे देख रहे हैं अपने फ्यूचर लाइफ की बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ अपकमिंग जर्नी, जो नई जर्नी उनकी स्टार्ट हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट है हैंस फोर्थ आई. लाइन्स 4 और 5 में रिपीट हुआ है हैंस फोर्थ, यानी कि अब से. द पोएट कन्वेज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, यानी कि अभी से ही हैज़ डिसाइडेड टू डू और नॉट डू सर्टन थिंग्स. यानी अभी से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने डिसाइड किए मैं करने वाला हूँ. जैसे अभी हमने एक्टिविटीज़ देखी है, कुछ एक्टिविटीज़ वो लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ है वो नहीं प्रैक्टिस करने वाले हैं. तो ये है जो लाइफ में वो क्या करने वाले हैं, अब से कुछ चीज़ों को रोकने वाले हैं और कुछ चीज़ों को शुरू करने वाले हैं. गुड फॉर्चून. He believes good fortune or destiny is not external. यानी उनका मानना है कि good fortune, अच्छा नसीब जो है वो external नहीं है, यानी कि कोई और हमारा नसीब अच्छा नहीं करता, ये चीज़ें जो है वो हमारे ही हाथों में होती है. I know lines 11 and 12, जो कि I know बता रही है, यानी क्या बता रही है, this shows the force of his convictions, यानी कि वो ऑलरेडी सारी चीज़ों को जानते हैं, उस बारे में बताया गया है. I carry lines 12 and 2 in 13, यानी कि लाइन 12 में और 2 बार लाइन 13 में आई है, ये जो टर्म है वो यूज़ हुआ है आई कैरी, जिसका मतलब है द पेन एंड प्लेजर दैट द पोएट अंडरगोज साइमल्टेनियसली इन कैरिंग द डिलीशियस बर्डन. तो वो जो डिलीशियस बर्डन लाइफ का कैरी कर रहे हैं, उसमें बता रहा है कि पेन के साथ भी कैरी कर रहे हैं और प्लेजर के साथ भी कैरी कर रहे हैं, यानी दुख तकलीफ, हंसते हुए अपनी दुख और तकलीफ को क्या कर रहे हैं, वो उस बोझ को लेकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. दे आर Line 10 emphasizes that entity, constellations of people with power belongs where it is. यानी कि ये जो word use हुआ है they are, वो क्या reflect कर रहा है, constellations near, यानी कि जो लोग life में जहाँ पर भी है, जो famous personalities है, celebrities है, मुझे ये लोग अपने आसपास नहीं चाहिए. लेकिन ये भी नहीं, insult भी नहीं कर रहे कि वो बुरे हैं, वो अपनी life में जहाँ कहीं भी है, वो अपनी life में सही जगह पर है और मैं अपनी life में जो हूँ वो सही जगह पर हूँ. तो basically ये term इसलिए use किया गया था.
अब एक प्रोनाउन है जो कि बार बार यूज हुआ है पोयम में, जिसको बोलते हैं हम आई आई प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब जो नाउन की जगह पर बार बार यूज होता है। तो बेसिकली द यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज एविडेंट एंड प्रोमिनेंट इन दिस पोयम, गिव रीजंस क्यों बार बार ये आई जो है प्रोनाउन जो है वो यूज किया गया है। आई ऑकर्स 15 टाइम्स इन द पोयम, यानी कि कितनी बार आया है, 15 टाइम्स आया है पोयम में। दिस शोज अस हाउ फुल्ली इन चार्ज द पोएट इज ऑफ हिज लाइफ एंड हिज डेस्टिनी। यानी ये जो आई बार बार यूज हुआ, ये क्या बता रहा है हमको कि जो पोएट है वो अपनी लाइफ का खुद ही इंचार्ज है, अपनी डेस्टिनी, अपनी ज़िंदगी, अपनी तकदीर, अपनी नसीब जो है वो खुद ही लिखना चाहता है। तो कितना डिटरमाइंड है अपनी लाइफ में, कितना कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ में वो। हिज एक्शंस एंड हिज डिसीजंस, यानी कि हर चीज़ की जिम्मेदारी वो अपनी लाइफ में खुद लेने तैयार है। द रिपीटेड यूज ऑफ आई शोज दैट ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिमसेल्फ, जैसे मैंने अभी बोला, एंड इज एबल टू टेक हिज लाइफ फॉरवर्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, उसे किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ही इज गोइंग टू स्टॉप कंप्लेनिंग डीलिंग, यानी कि वो हर चीज़ की कंप्लेन करना बंद करेगा, चीज़ों को पोस्टपोन करना बंद कर देगा। यर्निंग आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स, यानी कि दुनिया की चीज़ों के पीछे वो भागने वाला नहीं है। ही विल अप्रोच द फॉर फ्यूचर ऑन हिज ओन स्ट्रेंथ, यानी जिंदगी में वो जो कुछ भी बनेगा वो अपनी काबिलियत के दम पर ही बनने वाला है। रेडी टू यूज़ द अपॉर्चुनिटीज दैट ही कम्स अक्रॉस, लाइफ में कैसी भी अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी तो हर एक अपॉर्चुनिटी जो चैलेंजिंग होगी उसको चैलेंज करके चलेगा। जो अपॉर्चुनिटी फ़ायदा उठाने वाली होगी, खुद के बेनिफिट के लिए होगी, वो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर चलेगा। द पोएट इज़ क्वाइट श्योर ही डज नॉट नीड इधर लक और इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स टू हेल्प हिज अटेम्प्ट्स, यानी उस पोएट को किसी भी तरीके से ऐसे लोगों की ज़रूरत, पहले तो अच्छे नसीब की ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो नसीब खुद लिखना चाहता है। दूसरी चीज़ वो ये बता रहा है हमको कि मुझे इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स की भी ज़रूरत नहीं, जो बड़े 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 सारे हमारे दोस्त होते हैं ना, जिनके साथ हम घूमते फिरते ताकि उनके साथ हमारा भी नाम हो, तो उसको ऐसे किसी लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। ही सीम्स अश्योर्ड ऑफ हिज ओन कैपेबिलिटीज़, यानी कि वो क्या करता है, अपनी खुद की काबिलियत का वो खुद जिम्मेदार है और खुद मानता है कि मेरे में इतनी काबिलियत है, मैं ज़िंदगी में कुछ बन सकता हूँ। तो पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट, अश्योरेंस, ये सारी क्वालिटी उसके अंदर है, इसीलिए वो क्या बताया जा रहा है, वो जो आई है उसने बार बार यूज़ किया है, पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ किया है यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स राइट अ पोएटिक अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अप्रिसिएशन बेसिकली हमको एंटायर पोएम जो दी है उसके बारे में बताना है कि हर एक स्टैंजा आपको क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है, किस तरीके से वो पोएम एक मैसेज देना चाह रही है। तो ये सारे पॉइंट्स दिए हुए जिसके बेसिस पर हमको क्या करना है, पोएम का अप्रिसिएशन लिखना है। अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल, ये चीज़ हमको, ये फॉर्मेट दिया हुआ है जिस फॉर्मेट में हमको उसका अप्रिसिएशन लिखना है। पोयम के बारे में लिखना है, पोएट के बारे में लिखना है, टाइटल लिखना है, क्या बोल रहा है, थीम क्या है उस पोयम की, स्टाइल क्या है, कौन सा स्टाइल है पोयम का, फ्री वर्ड्स है या राइमिंग स्कीम है, पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ किए गए हैं, स्पेशल फीचर्स, मैसेज, ओपिनियंस और व्यूज़ भी आपको देने हैं। चलो देखते हैं पोयम के अप्रिसिएशन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पोयम का अप्रिसिएशन जो है वो पूरी तरीके से लिख लिया है। आप लोग चाहोगे तो एक बार ग्रो थ्रू कर लीजिए आप लोग, वट एग्जैक्टली ये जो मेटाफर यूज़ किया है लाइफ के लिए इसका मतलब क्या है, ओपन रोड जो बार बार हमको बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है हमको कि क्या है ये ओपन रोड, क्या है ये लाइफ की जर्नी के बारे में। तो ये जो बार बार मेटाफर यूज़ हुआ है, कंपैरिजन हुआ है इनडायरेक्टली, बिना डायरेक्टली एज मच एज सो लाइक यूज़ किए हुए जो यूज़ होता है कंपैरिजन, वो मेटाफर होता है। तो ये जो मेटाफर लाइफ का यूज़ हुआ है, ओपन रोड का यूज़ हुआ है, वो हमको क्या बताना चाहता है इस पोयम में, बेसिकली वही आपको पूरे पोयम के अप्रिसिएशन के बारे में लिखना है। तो एक बार आप लोग देख लीजिए क्या है पोयम का अप्रिसिएशन। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट 4 to 6 लाइंस ऑफ फ्री वर्स ऑन द टॉपिक द रोड दैट लीड्स टू माई कॉलेज, यानी कि अभी आपको एक पोयम लिखनी है, फ्री वर्स होना चाहिए। फ्री वर्स क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्री वर्स का मतलब होता है पोयम में किसी तरीके की राइमिंग स्कीम नहीं होगी। आप लिख रहे हो पोयम लेकिन कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, आप सीधा सीधा स्टेटमेंट्स लिख रहे हो, स्टैंजास बना रहे हो लेकिन राइमिंग स्कीम के बिना, वो होता है आपका फ्री वर्स। तो फ्री वर्स के ऊपर आपको क्या करनी है, एक टॉपिक दिया है द रोड दैट लीड्स टू माई कॉलेज, उसके ऊपर आपको एक पोयम बनानी है फ्री वर्स पे, और आपको उसमें क्या ऐड करना है, एक्सप्रेस दैट इट इज़ द रोड टू नॉलेज एंड ब्राइट फ्यूचर। अब आपको आइडिया दे दिया गया है क्या कि आपको मेटाफर बनाना है, क्या बनाना है, बताना है कि ये जो रोड है जो मेरे कॉलेज की तरफ जाता है वो रोड किसके लिए है, नॉलेज की तरफ है और ब्राइट फ्यूचर की तरफ है। यू मे बिगिन लाइक एवरी डे आई ट्रेड विद द बैग ऑफ बुक्स, यानी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, आपको बिगिनिंग की लाइन भी दे दी है कि इस लाइन से शुरुआत करते हुए आप अपनी पोयम की शुरुआत कर दो। देखते हैं हमने किस तरीके से पोयम बनाई है।
the road that leads to my college. Every day I tread with the bag of books and a hopeful step. यानी कि अब जो मैं कॉलेज में जो अपना कॉलेज में जा रहा हूँ एक बैग लेकर जा रहा हूँ जिसमें सिर्फ बुक्स भी बुक्स के साथ साथ एक होपफुल स्टेप है यानी कि एक उम्मीद को भी लेकर मैं अपना हर एक कदम जो है वो आगे बढ़ा रहा हूँ. इन टू द स्पेस ऑफ लाइट एंड होप आई कैन लुक फॉर माई सेल्फ. तो ये जो मैं रास्ते में चलता हुआ जा रहा हूँ इन द स्पेस ऑफ लाइट एंड होप यानी कि जो रोशनी आ रही है वो मेरे लिए क्या है, एक तरीके से एक उम्मीद की जो किरण होती है वो है मेरे लिए, जिसमें मैं अपने आप को भी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ जो है वो देख रहा हूँ. आई गो टू बिकम मोर रेडी फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर एवरी डे. यानी कि मैं हर दिन जाने के लिए कॉलेज जो है तैयार हूँ. आज भी तैयार हूँ, कल भी तैयार हूँ और हर दिन मैं तैयार हूँ कॉलेज जाने के लिए. एवरी डे एवरी वे आई ग्रो एंड ग्रो थैंकफुल एंड वाइज स्ट्रांगली होपफुली. तो हर दिन मैं क्या हूँ, तैयार हूँ जाने के लिए. हर दिन मैं ग्रो भी हो रहा हूँ यानी कि मेरी लाइफ में ग्रोथ भी हो रही है क्योंकि हर दिन मुझे नॉलेज मिल रहा है. हर दिन मैं जा रहा हूँ किसके लिए जा रहा हूँ, कॉलेज हम क्यों जाते हैं, पढ़ाई करने. तो बेसिकली उसका नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो रहा है. जब नॉलेज इम्प्रूव होगा ही विल बिकम अ वाइज पर्सन, स्मार्ट हो जाएगा वो, हर एक चीज़ उस बच्चे को समझ में आएगी. तो स्ट्रांगली विथ अ स्ट्रांग होप वो क्या कर रहा है, हर दिन कॉलेज जा रहा है. तो इस तरीके से आप एक फ्री वर्स पोएम जो है वो लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि आपको राइट अ ब्लॉग ऑन द फॉलोइंग टॉपिक. मैन इज़ फ्री बाय बर्थ. तो फ्री का मतलब यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि फ्रीडम की बात हो रही है. फ्रीडम किस चीज़ में फ्रीडम होना चाहिए, आपके थॉट्स में, फीलिंग्स में, इमोशंस में, माइंड में, ठीक है, ये सारी चीज़ों का फ्रीडम होना चाहिए अपनी लाइफ जीने के लिए हमको. तो बेसिकली ये एक मतलब है मैन इज़ फ्री बाय बर्थ यानी आज़ादी जो है वो हमारा हक है. हमको पैदा हुए तब से हमको आज़ादी मिली है, राइट. तो यहाँ पर क्या करना है आपको, उसके ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल लिखना है, अच्छा सा एक आपको ब्लॉग लिखना है. आप चाहे तो देख सकते हैं, हमने यहाँ पर आपके लिए एक ब्लॉग लिखा हुआ है. आप चाहो तो उसमें कोई स्टोरीज भी रिलेट कर सकते हैं इस ब्लॉग को लिखने के लिए. बेसिकली दैट इज हाउ यू राइट अ ब्लॉग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जिसमें लिखा है एक्सपांड द आइडिया सजेस्टेड इन द फॉलोइंग लाइंस. ओके, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर बोला गया है ऑल रोड्स लीड टू रोम. आपको एक आइडिया दिया हुआ है, अब उसी के बेसिस पे जैसे एक स्टोरी फॉर्म हो जाती है वैसे आपको क्या लिखना है, इस लाइंस को एक्सपांड करना है यानी इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में दिया है. ऑल रोड्स लीड टू रोम जिसका मतलब क्या होता है, सेम गोल यानी कि हर एक रास्ता एक ही मंजिल की तरफ जाता है. डिफरेंट वेज टू रीच गोल यानी कि उस एक मंजिल पे पहुंचने के लिए कितने अलग अलग रास्ते हैं. अप्रिशिएट ऑलवेज और हर एक रास्ते को अप्रिशिएट करो. जो रास्ते पर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है उसको एक्सप्लोर करके वहाँ पर पहुँच जाओ. तो क्योंकि ये अलग अलग आपको लाइन्स दी गई है तो इसी से रिलेटेड आपको क्या करना है, पूरी एक आइडिया को एक्सपांड करना है, पूरी एक स्टोरी को जो है वो आपको फॉर्म करना है. तो ये हमने आपके लिए ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, यू ऑल कैन गो थ्रू दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन विदाउट लिबर्टी इज़ अ बॉडी विदाउट सोल. यानी कि इंसान जो है यहाँ पर बोला जा रहा है अ मैन विदाउट लिबर्टी यानी कि अ मैन विदाउट फ्रीडम इज़ अ बॉडी विदाउट सोल यानी कि एक इंसान को अगर फ्रीडम नहीं है तो वो एक जिंदा लाश की तरह है बेसिकली. तो ये यहाँ पर इसका मतलब होता है. अगेन आपको इस आइडिया जो दिया हुआ है इसके पीछे उसको समझने की कोशिश करनी है और उसको एक्सपांड करके और ज़्यादा लिखना है. सो बेसिकली वी आर डन विथ आर आइस ब्रेकर्स एज वेल एज ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन फॉर आर पोएम 2.1 सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. इसका अगर आपको पोएम देखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं एक बार और पोएम को भी पूरा रेफर कर सकते हो. इन केस यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड कमेंट. थैंक यू वेरी मच.